हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडिंग प्लस। सो आज हम एक इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखने जा रहे हैं। अब एक्चुअली अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, तो आपको थाउजेंड्स ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज मिल जाएंगी। बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सर्च करते हैं, तो वहाँ पे आपको इस तरह की वीडियोस बहुत सारी मिल जाएंगी, जहाँ पे बोलते हैं कि 1 लाख रुपीज लगा के 10,000 डेली कमाएं, 20,000 डेली कमाएं। अब अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, आप समझ गए होंगे कि एक्चुअली में ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है, राइट? 7% 8% रिटर्न अगर आप मंथली के बना रहे हैं, तो भी ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न है। हाँ, कुछ मंथ्स ऐसे आएंगे जो आपके गुड मंथ्स होंगे, जब आप 10% 15% रिटर्न बनाएंगे। बट ओवरऑल मैं आपको एक बताऊं तो 5% एक एवरेज रिटर्न भी अगर आप अपना बना के चल रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा रिटर्न है, राइट? सो इस वीडियो के थ्रू और इस चैनल के थ्रू जो भी जेन्युइन चीज़ें हैं, वही मैं आपको बताऊंगा। मैं आपसे ऐसा प्रॉमिस नहीं कर सकता कि 1 लाख रुपये लगा के 20,000 रुपये दिन के कमाएं, 50,000 रुपये लगा के 10,000 रुपये दिन के कमाएं, 15,000 रुपये दिन के कमाएं, ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्ट्रैटेजी को समझते हैं कि हमें करना क्या है, राइट? आप मेरे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, ये एक सुपर ट्रेंड स्ट्रैटेजी है। हमें इसमें करना क्या है, हमें 3 सुपर ट्रेंड लगाने हैं। पहला 10:1 का, दूसरा 10:2 का और तीसरा 10:3 का, राइट? हमने 3 सुपर ट्रेंड लगा लिए अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे। जो भी ट्रेडिंग टर्मिनल आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें आप निफ्टी का चार्ट खोलेंगे, निफ्टी या बैंक निफ्टी, आपको सिर्फ इन दो इंस्ट्रूमेंट में ही ट्रेड करना है। निफ्टी या बैंक निफ्टी में आप अपना चार्ट खोलेंगे, उसमें 3 सुपर ट्रेंड लगाएंगे, 10:1, 10:2 और 10:3। ये सारी चीज़ें करनी कैसे है, मैं अभी आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे बताऊंगा। फिलहाल तो मैं सिर्फ आपको रूल्स बता रहा हूँ कि हमें ये स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय कैसे करना है, राइट? सेकेंड स्टेप, हमें ट्रेड में एंट्री कब करनी है। जब मार्केट तीनों सुपर ट्रेंड्स के ऊपर होगा तो ही हम एंट्री करेंगे, या तो ऊपर या तो नीचे। मार्केट तीनों सुपर ट्रेंड्स के ऊपर होना चाहिए तो हम एंट्री करेंगे, या फिर मार्केट सुपर ट्रेंड्स के नीचे हो, तीनों सुपर ट्रेंड लाइंस के नीचे हो, तो हम मार्केट में एंट्री करेंगे, राइट? चलिए, अब हमने मार्केट में एंट्री तो कर ली, अब हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होगा। टारगेट तो हमारा 320 होगा, जैसे ही घड़ी में 320 होंगे हम अपना ट्रेड क्लोज कर देंगे, और हमारा स्टॉप लॉस 30% होगा जो भी प्रीमियम हमने रिसीव किया होगा। एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने 17,000 का एक कॉल ऑप्शन सेल किया है 100 के प्रीमियम पे, तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 130 होगा, क्योंकि हमने 100 रुपीज़ का प्रीमियम रिसीव किया हुआ है और 30% उसमें हमारा स्टॉप लॉस है, तो हमारा स्टॉप लॉस 130 होगा, राइट? अब फोर्थ स्टेप, आजकल क्या हो रहा है कि मार्केट गैप अप और गैप डाउन बहुत ज़्यादा खुल रहा है। कभी 200 पॉइंट ऊपर, 300 पॉइंट नीचे, इस तरह के गैप अप एंड गैप डाउन में मार्केट खुल रहा है। तो इस केस में क्या होता है कि मार्केट सुपर ट्रेंड के बहुत ऊपर या बहुत नीचे खुलता है, राइट? सुपर ट्रेंड की तीनों लाइंस के ऊपर या नीचे खुलता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो भी 15 मिनट की फर्स्ट कैंडल होगी उसका ब्रेकआउट का वेट करेंगे। अगर मार्केट सुपर ट्रेंड के ऊपर है और 15 मिनट की कैंडल ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो हम ट्रेड में एंट्री करेंगे। अगर नीचे की तरफ ब्रेक करती है बट मार्केट सुपर ट्रेंड के ऊपर है, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल सुपर ट्रेंड के ऊपर है लेकिन मार्केट 15 मिनट का लोअर ब्रेक करती है, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। सिर्फ जब ऊपर की साइड में ब्रेक करेगा तो ही हम ट्रेड लेंगे। सिमिलरली अगर मार्केट सुपर ट्रेंड से नीचे गैप डाउन में खुली है और फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल का लोअर ब्रेक होता है तो ही हम ट्रेड लेंगे, अगर अपर साइड ब्रेक होता है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, राइट? एंड लास्ट स्टेप क्या है कि हम कभी भी आफ्टर 1 PM कोई भी ट्रेड में एंट्री नहीं लेंगे। हमें जो भी ट्रेड में एंट्री लेनी है वो 9:30 से लेके 1 o'clock के बीच में एंट्री लेनी है, राइट? और हमें अपना ट्रेड 320 पे क्लोज कर देना है, राइट? एक चीज़ और है कि ये स्ट्रैटेजी को हम फ्राइडे के दिन ट्रेड नहीं करेंगे, इस स्ट्रैटेजी को हम मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे के दिन ट्रेड करेंगे। फ्राइडे के दिन ट्रेड न करने का रीज़न ये है क्योंकि इस स्ट्रैटेजी में हमारा टारगेट क्या होता है, थीटा डीके का, कि मार्केट में किसी एक तरफ का मूव आए तो जो भी हमें थीटा का बेनिफिट है वो मिल सके दूसरे अपोजिट साइड में। बट फ्राइडे के दिन क्या होता है कि अभी एक्सपायरी में 4 to 5 days बचे हैं तो हमें थीटा का इतना फ़ायदा नहीं मिलता है, थीटा डीके इतना होता नहीं है और मार्केट में मूव आने के बाद भी ज़्यादा थीटा डीके नहीं होता है, तो इसलिए हम फ्राइडे के दिन इस स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करेंगे, राइट? अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और समझते हैं कि इस स्ट्रैटेजी को हमें यूज़ कैसे करना है। कंप्यूटर स्क्रीन पे जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और शेयर करनी है आपसे। देखिए,
हम एक्सपायरी वाले दिन एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं जिसकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 90% है। मतलब कि अगर हमने 10 ट्रेड लिया है तो 9 टाइम्स हमारा ट्रेड सक्सेसफुल होगा, और वो भी एक बार जो हमारा ट्रेड अनसक्सेसफुल होता है उस दिन हम किसी माइनर लॉस में या कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास ही ट्रेड से एग्जिट करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी हम आपके साथ शेयर करें सो उसके लिए कमेंट सेक्शन में आप मुझे यस लिख के बता दीजिए। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा, एटलीस्ट अगर 100 कमेंट्स में मुझे यस मिला, तो ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, राइट? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आप अगर सच में सीखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस लिख दीजिए। मैं आने वाले टाइम में इस स्ट्रैटेजी के ऊपर एक कंप्लीट कोर्स बना के यूट्यूब पर डालूंगा, राइट? चलिए तो आप कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। चलिए तो हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है, राइट? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक बैक टेस्ट करेंगे मार्च से, अभी 2nd of March से लेके टिल 17th of March तक का हम एक बैक टेस्ट करेंगे, राइट? यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बैक टेस्ट रिजल्ट बना रखे हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं, बट मैं एक दो बैक टेस्ट आपको करके भी दिखा देता हूँ, राइट? तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपना इंडिकेटर लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सुपर ट्रेंड लगाएंगे, 3 सुपर ट्रेंड हम ऐड करेंगे, राइट? अब हम इनके वैल्यूज को एडजस्ट कर लेते हैं, 10:1, ओके, 10:2, ओके, और ये ओके, 10:3, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सेट कर लिया 10:1:2:3 का। अब हमें एंट्री और एग्जिट कैसे करना है और किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं, राइट? तो हमारा पहला रूल क्या था कि हम एंट्री तभी करेंगे जब तीनों मार्केट तीनों सुपर ट्रेंड लाइंस के ऊपर हो। अगर आप यहाँ पे देखें, मैं एक स्टार्टिंग से आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुला, राइट? तो हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे। हम यहाँ पे दो सुपर ट्रेंड मार्केट दो सुपर ट्रेंड लाइन के तो नीचे है, लेकिन थर्ड सुपर ट्रेंड लाइन आपकी यहाँ पे बन रही है, इस कैंडल पे आसपास कहीं बन रही है, इस कैंडल पे आपकी थर्ड सुपर ट्रेंड लाइन बन रही है, राइट? तो अब हम देख रहे हैं कि मार्केट गैप डाउन खुलता है, सेकंड कैंडल हमारी इनसाइड कैंडल बन जाती है, तो हम वेट करेंगे। थर्ड कैंडल अगर आप देखें तो ये हमारी परफेक्ट कंडीशन है, मार्केट तीनों सुपर ट्रेंड लाइन्स के नीचे है, और ये जो आपकी फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल है उसके अभी इनसाइड में बना हुआ है। तो हम देखते हैं कि ये कैंडल ब्रेक कहाँ होती है, एक मैं लाइन खींच देता हूँ सो दैट आपको इजी हो समझने में। ये इसका हाई है, ये इसका लो है, राइट? अब हम वेट करेंगे कि मार्केट तीनों सुपर ट्रेंड लाइंस के नीचे है, प्लस यहाँ पे जो आपकी फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल है इसको भी ब्रेक जब जैसे ही मार्केट करेगा हम अपनी एंट्री लेंगे। तो हमारी एंट्री यहाँ कहीं पे होती है, और यहाँ कहीं पे एंट्री होने के बाद हम एक ट्रेड लेते हैं, बट अगर हम देखते हैं कि मार्केट वहाँ से ज़्यादा नीचे नहीं गया, इनफैक्ट डे एंड में मार्केट थोड़ा सा रिकवर कर लिया, राइट? अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे तो हमें लॉस हो सकता है। नहीं, यही एक स्ट्रैटेजी का सबसे खासियत चीज़ है कि देखिए, अगर हम फ्यूचर में ट्रेड कर रहे होते तो हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो सकता था। अगर हम ऑप्शन बाय करके ट्रेड कर रहे होते तो भी हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हो सकता था, बट हमने क्योंकि ऑप्शन सेल किया हुआ है तो हमें ऑप्शन सेलिंग में थोड़ी कुशनिंग मिलती है कि जैसे जैसे दिन का अंत होता जाता है उसमें थीटा डीके होता जाता है। तो हो सकता है कि अगर हमने यहाँ पे कोई 100 रुपीज़ के प्रीमियम सेल किए हों तो डे एंड में भले मार्केट हमारे सेल किए हुए लेवल से ऊपर है तो भी हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हुआ हो। उसका एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, ये देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो बैक टेस्ट हमने किया है, हमने ये इसी पर्टिकुलर डेट का बैक टेस्ट किया हुआ है, और उसके बाद भी हमें कुछ 2775 रुपीज़ का प्रॉफिट ही हो रहा है, जबकि मार्केट यहाँ से हमें रिवर्स गई है, हमारे सेल किए हुए लेवल से ऊपर गई है, उसके बाद भी हमें यहाँ पे लॉस नहीं हो रहा है बल्कि प्रॉफिट हो रहा है, राइट? इसके अलावा हम एक दो कंडीशंस और देख लेते हैं। हाँ, ये कंडीशन हम एक बार समझ लेते हैं ज़रा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि हमें 7th मार्च को, एक बार पहले हम डेट चेक कर लेते हैं, 7th मार्च को डेट कौन सी है, मंडे, ठीक है? तो 7th मार्च का हम एक बार ट्रेड देख रहे हैं, 7th मार्च को मार्केट हमारे गैप डाउन में खुला, राइट? सुपर ट्रेंड लाइंस तीनों नीचे, हम वेट किए 15 मिनट के कैंडल का, यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल ने हमारा लो ब्रेक किया, तो हम यहाँ पे कहीं अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, राइट?
अब आप देखते हैं कि यहाँ पे आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, मार्केट तीनों सुपर ट्रेंड लाइंस के नीचे ही है, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, इधर कहीं पे आपका स्टॉप लॉस भी हिट हुआ है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मार्केट थ्रू आउट द डे नीचे ही रहा, बट उसके बाद हमें कोई भी एक क्लियर एंट्री नहीं मिली मार्केट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी हमें एक क्लियर एंट्री नहीं मिल रही थी, तो हमने कोई भी एंट्री नहीं ली, राइट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 915 आप देख रहे हैं, 915 पे मार्केट गैप अप खुला और मार्केट तीनों सुपर ट्रेंड लाइंस के ऊपर ही था। जैसे मैं लाइन खींच देता हूँ सो देट आपको अच्छे से समझ में आए, ये इस कैंडल का हाई है और ये इस कैंडल का लो है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे कि सेकेंड कैंडल जो है इसका हाई तोड़ दे। तो सेकेंड कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया तो हमने एंट्री ली। अब हमने एंट्री ली और हमने देखा कि मार्केट थ्रू आउट द डे ऊपर ही गया है। एक्चुअली क्या है कि अगर तीनों सुपर ट्रेंड लाइंस मार्केट या तो ऊपर या तो नीचे की तरफ ब्रेक कर दे, तो चांसेस बहुत कम होते हैं कि मार्केट उसके बाद रिवर्स करके आएगा और फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट करेगा। तो हम एक बार बैक टेस्ट भी कर लेते हैं एक्चुअली। तो यहाँ पे हम मार्च में एंट्री कर लेते हैं, मार्च 9th मार्च को हमारा ट्रेड शुरू होगा और जो हमारी एक्सपायरी है करंट वीक, हाँ आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, हम करंट वीक की एक्सपायरी में ट्रेड करेंगे। अगर जैसे 9th मार्च है तो 9th मार्च की जो भी एक्सपायरी होगी उसी एक्सपायरी में हम ट्रेड करेंगे, हम किसी और एक्सपायरी में ट्रेड नहीं करेंगे। तो हमें एंट्री कब मिली है, हमें एंट्री मिली है ऑलमोस्ट 9:45 पे, तो हम 9:45 पे चले जाते हैं। अब हम क्या सेल करेंगे, हम एक एट द मनी से एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर का प्रीमियम सेल करेंगे। इस समय हमारा एट द मनी कितना चल रहा है, 16,134, तो 16,134 है, तो हम ये वाला प्रीमियम सेल करेंगे 130 का। यहाँ पे मैं 5 लॉट सेल कर देता हूँ। 5 लॉट सेल करने के लिए आपको जो मार्जिन चाहिए, निफ्टी का 1 लॉट सेल करने में लगभग 80,000 रुपीज़ चाहिए, तो आपको 5 लॉट सेल करने के लिए ऑलमोस्ट 4-4.5 लाख रुपये चाहिए ट्रेड इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए, राइट। अब हम अपना स्टॉप लॉस भी कैलकुलेट कर लेते हैं, हमें अपना 30% स्टॉप लॉस रखना है। तो इस समय हमें 130 का प्रीमियम मिल रहा है, तो 13 × 3 + 130, सो हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो 169 है हमारा स्टॉप लॉस। अगर मार्केट यहाँ पे 169 आता है तो हम अपना ट्रेड को एग्जिट कर देंगे, राइट। तो देखते हैं मार्केट कहाँ जा रहा है, दो मुझे पता है कि मार्केट ऊपर ही जा रहा है, तो 15 मिनट के साथ हम आगे चलते हैं। अगर आप देखें तो इस समय हमें कोई खास प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बट जैसे ही मार्केट में रैली आएगी हमें प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। इस समय में 16,400 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, हम थोड़ा वेट करेंगे। आप चाहें तो अपने स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ भी शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे जैसे आपको प्रॉफिट आने लगता है आप अपने स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, सो दैट कि आप एक मिनिमम प्रॉफिट तो बुक कर सकें इन केस ऑफ रिवर्सल, राइट। तो हम सीधा 315 पे ही जाते हैं, 315 पे हमारा ट्रेड क्लोज हो जाएगा। सो 3:15 हो चुके हैं, 3:20 कर देते हैं हम इसे, तो इस समय हमें ऑलमोस्ट 22,000 रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है। अब हम एक बार ये चार्ट देख लेते हैं, हम एक कोई एक ऐसा भी ट्रेड कर लेते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पूरा मिक्स सिग्नल मिल रहा है, तो यहाँ पे एक्चुअली हमारा कोई भी ट्रेड नहीं बना। सो हमें जब भी कोई भी एंट्री लेनी है हमें मार्केट में एग्जैक्ट 9:13 पे आता है। आप यहाँ पे देखिए एक और ट्रेड हमें मिल रहा है, हमारे तीनों सुपर ट्रेंड की लाइन यहाँ पे बन रही है, तो हम इस कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल है हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। यहाँ पे जैसे ही हमने एंट्री ली फिर से आप देख सकते हैं कि मार्केट थ्रू आउट द डे ऊपर ही रहता है। एक कैंडल और देख लेते हैं हम, 16:15 हमें 16 मार्च को एंट्री मिली है, 15 नहीं, ओके यहाँ पे हमें एक एंट्री मिली है और एक्चुअली हमें इस एंट्री में लॉस हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट तीनों सुपर ट्रेंड लाइंस के ऊपर एक कैंडल क्लोज किया हुआ था, जिसके हिसाब से हमें लगा कि अब हमें यहाँ पे एक पुट सेल करना चाहिए, बट मार्केट थोड़ी देर ऊपर गया और उसके बाद एक डाउनफॉल, सडन डाउनफॉल आया, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। हम बैक टेस्ट भी कर लेते हैं इसको एक्चुअली। ये हमारा डे कौन सा है, 15th ऑफ मार्च,
एक्चुअली इसका बैकटेस्ट किया होगा मैंने 15th of March का। हाँ ये बैकटेस्ट मैंने किया है, इसमें हमें 15,250 रुपीज़ का लॉस भी हो रहा है। ये पूरे मार्च में एक्सपायरी में मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पूरा 1st of March से मैंने ये बैकटेस्ट किया हुआ है, यहाँ से लेके 17th of March में, जिसमें हमें टोटल एंट्री टोटल 6 डेज में हमें ट्रेड मिला। उस 6 डेज में हम ट्रेड करते तो हमें फर्स्ट डे 2,775 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, देन सेकेंड डे हमें 1,200 रुपीज़ का लॉस हुआ, देन हमें 22,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बैकटेस्ट किया, देन हमें नेक्स्ट जो एंट्री मिली उसमें हमें 16,900 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, इसमें हमें 15,000 रुपीज़ का लॉस हुआ। ये जो मैंने आपको अभी ट्रेड का बैकटेस्ट करने जा रहे थे, ये वाला, इस ट्रेड में हमें 15,000 का लॉस हुआ। एंड देन ये हमारा एक्सपायरी डेट ट्रेड है 17th March का, ये वाला, यहाँ पे हमें एंट्री मिलती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तीनों सुपर ट्रेंड लाइंस फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल को ब्रेक किया और थ्रू आउट द डे मार्केट ऊपर ही रहा, तो हमें यहाँ पे कुछ 11,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, राइट। तो इस स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी काफ़ी हाई है, मतलब अगर आप 10 ट्रेड करेंगे तो आपको 7 ट्रेड के आसपास प्रॉफिट में मिलेंगे, 3 ट्रेड्स में आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। सो मैं आपको ये ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि आप इसका एक बार बैकटेस्ट ज़रूर से करिए, और फ्राइडे को छोड़ के आप मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे के दिन इस स्ट्रैटेजी पे काम कर सकते हैं, राइट, और एक अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। ऑलमोस्ट मैं अगर आपको एक एवरेज रिटर्न बनाऊँ तो जिस दिन भी आपको प्रॉफिट होता है आपको 3-4% के आसपास का प्रॉफिट होता है, बट जिस दिन भी आपको लॉस होता है उस दिन आपको 1-1.5% का लॉस होता है। तो अगर आप अपना रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करें तो 1:3 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड है और आपकी एक्यूरेसी 70% के आसपास है। सो इन द लॉन्ग टर्म अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं तो एट द एंड, मतलब अगर आप एक साल इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं तो आपका रिटर्न ऑलमोस्ट 100% के आसपास का रिटर्न है। इस पूरी स्ट्रैटेजी का मैं एक साल का बैकटेस्ट बनाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा, सो दैट आपको कॉन्फिडेंस आ सके कि अच्छा इस एक स्ट्रैटेजी के थ्रू भी आप अगर सिर्फ आप एक इस एक स्ट्रैटेजी पर काम करते हैं तो भी ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न बना सकते हैं, राइट। आई होप ये स्ट्रैटेजी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज ओपन फॉर यू, मैं ज़रूर से आपके आंसर करूँगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि इस चैनल के थ्रू हम आपको कुछ वैल्यू दे सकते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।